ये नींबू पानी कौन दे रहा है? सॉरी मैम, ये नींबू पानी तो बट हमारे वेलकम ड्रिंक्स में नहीं है। अरे लेकिन मुझे अभी कोई देखा क्या? हो सकता है मैम कि किसी गेस्ट ने ऑर्डर करा हो और गलती से आपको दे दिया हो। हाँ ये भी हो सकता है। इट्स ओके, रिलैक्स, बैठो। थैंक यू, आप जाइए। मिस्टर दोई बैठो। मिश्र दोई क्या देख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। ठीक है तुम बैठो, मैं रिसेप्शन जाकर आता हूँ। रूम नहीं दिया इन्होंने अभी तक। तुम बैठो यहाँ। बब्बन कहीं आ तो नहीं, या मेरा वहम है? मुझे पता करना होगा। शामली, उसने पक्का मुझसे कुछ गलत काम करवाया है, पता पुलिस ढूंढ रही थी मुझे। अच्छा तू शांत हो जा, मैं फोन करती हूँ उसे। The number you are trying to call is currently switched off. उसका फोन तो बंद है। हाँ? उसने मुझे जानबूझकर फंसाया है। मैं जानती हूँ। क्या करूंगी? कैसे बनेगा नीरजा का पासपोर्ट? कैसे भेजूंगी मैं उसे यहाँ से बाहर? कैसे? चिंता मत कर माशी, सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कैसे? हाँ मैं बब्बन को फोन करती हूँ, शायद वो हमारी मदद कर सके। नहीं शामिल, नहीं नहीं, तू बब्बन को कुछ नहीं बताएगी। मैं नहीं चाहती कि वो नीरजा के बारे में कुछ भी जाने। नहीं तू, वो नीरजा का भी दोस्त नहीं रहा है, वो उसका दुश्मन बन गया है, खतरा है वो नीरजा के लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो बदल गया है अब। मैंने देखा है उसे काम करते हुए, बहुत मन लगा कर काम करता है। नीरजा का तो वो शायद भूल भी चुका है। शामली मैंने कहा ना नहीं बताएगी तो कुछ नहीं बताएगी बब्बन को। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उसे फोन करके उस पासपोर्ट वाले आदमी के बारे में तो पूछ सकती हूँ ना। हेलो, ये तो अपन की आवाज है। मिश्र दोई, कहाँ जा रही हो? मुझे बोल रही थी मुझसे दूर नहीं जा रहा है और अकेले कहीं जा रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं आपके पास ही आ रही थी। लेकिन मैं तो, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, चलो। हाँ माँ बोल। हाँ सुन, कहाँ है तू? प्रतिमा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। तो पढ़ने देना, बार बार मुझे बहुत फोन कर, वैसे भी मैं कलकत्ता में नहीं हूँ। तो तू जहाँ भी है वहाँ से अभी वापस आ जा और सीधे आकर मिल। द ग्रीन ग्लोरी रिसोर्ट के सभी मेहमानों का पूरी में स्वागत है। क्या हुआ? नहीं आ रहा है ना वो? मैंने कहा था उसे कुछ मत बता। बबन पुरी में? प्रतिमा मैं और अभी पुरी घूमने जा रहे हैं। पुरी में? नीरजा भी तो पुरी में ही है। वो पक्का नीरजा के पीछे वहां गया है। मुझे डर लग रहा है, मुझे नीरजा को बचाना होगा, मुझे पुरी जाना होगा। नीरजा के लिए मुझे मुझे पुरी जाना होगा। ये बार बार तुम लोग जाने की बातें करते रहते हो, कहीं तो अच्छी बात नहीं है। मेरा मुंह मत देखो, अपना मुंह खोलो और बताओ, क्योंकि चेहरे से साफ नजर आ रहा है कुछ तो हुआ है।
बोलो बोलो चलो। विदुम, वो बब्बन नीरजा के पीछे पूरी पहुंच गया है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो नीरजा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे नीरजा को बचाना है, मुझे जाने देना पूरी। कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक दिदुन की कीमत नहीं चुक जाती तब तक ऊपर वाला भी नीरजा को नहीं छू सकता। इसका पप्पन क्या है? वो सुना है ना तूने दिदुन, लातों के भूत भातों से नहीं मानते। हाँ सुना तो है, लेकिन दिदुन का भी उसूल है, पहले प्यार की बोली फिर बंदूक की गोली। अब प्यार से तो समझा दिया, नहीं समझाना तो अब उसी भाषा से समझाऊंगी जो भाषा तेरे शामली के बब्बन को समझ आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो शायद किसी काम से गया होगा दिदुन। मिश्र दोई, ऐसे स्माइल करो ना, तुम्हारी एक फोटो क्लिक करता हूँ। नहीं नहीं अभी, इतने सारे लोग हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। एक्सक्यूज मी। यस। अगर मैं मेरी वाइफ के ब्यूटीफुल स्माइल के साथ एक फोटो क्लिक करूं आपको प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं सर। थैंक यू। सी मिस्टर, देखो ना कितने प्यार से स्माइल कर रही है खुल के। तुम्हें देखकर आजकल ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने तुम्हें बांध रखा हो। मिस्टर दो, इससे पहले तुम्हें देखा था ना, ऐसा लगता था कि सूरज की पहली धूप एकदम खिली खिली। अभी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी पर किसी और का कंट्रोल है। हाँ अभी कभी कभी जिंदगी तो हमारी होती है लेकिन उसकी डोर किसी और के हाथों में होती है। अगर ऐसा है तो छीन लो वो डोर और ले लो अपने हाथ में। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, आज और कल भी। इसी स्माइल की बात कर रहा था मैं। स्टे। बस अभी मुझे लगा मैंने बब्बन को देखा है। मिस्टर कौशिक, नावीर बागची, योर कार्ड्स आर रेडी। यस कमिंग। मैं कार्ड लेकर। ये किस आदमी को भेज दिया आपने? मुझे नहीं लगता इससे कुछ हो पाएगा। क्या सोचा है? एक्सक्यूज मी, आपने बुलाया? रूम की। मिस्टर सर, आपका सामान आ गया है, आप चलिए मेरे साथ। चलिए। मुझे पता लगाना ही होगा कि ये बब्बन है या कोई और, लेकिन अबीर को अकेला छोड़कर कैसे ढूंढू मैं? चलो। अब कौन सा रूम है? बस अभी आगे आ गया। यहाँ तो कोई नहीं है, अबीर को अकेले छोड़ सकती हूँ मैं। अबीर आप रूम में जाइए, मैं बस अभी आई। कहाँ जा रही हो तुम? वो मुनमुन बोदी ने मेरे पर्स में कुछ सामान रखवाया था, मैं बस वो लौटा कर आती हूँ। ठीक है, रूम नंबर 3021 याद रहेगा तुम्हें? 3021। हाँ जल्दी आना। ठीक है। अच्छा
तुमने यहाँ भी शॉपिंग कर ली? अरे कौशिक जी, इसे शॉपिंग करना नहीं, मूड ठीक करना कहते हैं। और मुझे तो लगा था कि रास्ते में उस नीरजा से छुटकारा मिल जाएगा और हम यहाँ आकर जश्न मनाएंगे। जो काम रास्ते में नहीं हुआ वो यहाँ होगा। मरेगी तो जरूर नीरजा। मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने यहाँ बहुत अच्छा सेलिब्रेशन प्लान किया है। आइए आइए कौशिक जी, आइए। अरे मैंने तुमसे रूम डेकोरेट करने के लिए कहा था। Thank you.